दोस्तों यूं तो आप लोगों ने इतिहास में दी जाने वाली कई सारी सजाओं के बारे में सुना ही होगा, जिनमें से किसी में इंसान को उल्टा लटकाकर बीच से काट दिया जाता था, तो किसी में उन्हें चूहों से कटवाकर मारा जाता था। इसके अलावा बिजली के झटके देकर मारने का भी नियम कई सारे लोगों ने अपनाया, और इसी तरह ही कई सारे खतरनाक रास्तों को अपनाकर लोगों को उनकी गलतियों की सजा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों इतिहास में एक सजा ऐसी भी है जो किसी का भी दिल दहला सकती है, और उस सजा का नाम है ब्रेजन बुल, जिसे कि ब्रॉन्ज बुल या फिर सिसिलियन बुल भी कहा जाता है। दरअसल इस सजा के अंदर क्रूर शासक के द्वारा इंसानों को पीतल से बने हुए एक बुल यानी कि सांड के अंदर डालकर तब तक भुना जाता था जब तक उसके चिल्लाते चिल्लाते जान ना निकल जाए। और दोस्तों इस बुल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आदमी इसके अंदर कितना भी चीखता और चिल्लाता हो लेकिन बाहर एक मधुर संगीत सुनाई देती थी। हालांकि इस सांड के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम यह जानते हैं कि आखिर इस सजा के बारे में लोगों को पता कैसे लगा और इस तरह की सजा दी कब जाती थी। तो दोस्तों ब्रेजन बुल सजा के बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों में बताया गया है, और इसी तरह की एक किताब ग्रीक हिस्टोरियन डायोडोरस सिकलस ने भी लिखा है, जहां उन्होंने ब्रेजन बुल की पूरी कहानी बताई है। हालांकि इस सजा के अलावा भी उन्होंने और भी कई सारे सजाओं को अपने बुक में लिखा, जो कि पहले के समय में क्रूर शासक लोगों को दिया करते थे। दरअसल इस बुल का आइडिया दिया था 570 और 554 बीसी के बीच पेरिलोस नाम के एक खोजकर्ता ने, जो कि अपने समय के एक इन्वेंटर यानी कि खोजकर्ता और मूर्तिकार थे। और दोस्तों इस पीतल से बने हुए सांड को जिसके लिए बनाया गया था उस क्रूर शासक का नाम था फलारिस, जो कि अपने राज्य के अंदर गलती करने वाले लोगों को ऐसी सजा देना चाहते थे जिससे हर कोई सहम उठे, और इसीलिए उन्होंने ब्रेजन बुल को डिजाइन करवाया। दरअसल इस बुल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके पेट के अंदर किसी भी इंसान को डाला जा सकता था, और फिर इस सांड के पेट में इंसानों को डालने के बाद नीचे से आग लगा दी जाती थी, और फिर होता यह था कि जानवरों की तरह इंसान भी सांड के पेट में भुन जाते थे। लेकिन दोस्तों खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। धीरे धीरे भुने हुए लोग जब चीखते और चिल्लाते थे तब सांड के मुंह से प्यारी संगीत निकल कर आती थी, क्योंकि ब्रेजन बुल को कुछ इसी तरीके से ही बनाया गया था। इसके अलावा इस सांड के नाकों से हल्का हल्का धुआं भी निकलता था, साथ ही नाक के अंदर से जो धुआं निकलता उसमें बदबू की जगह सुगंध होता था, क्योंकि बुल के अंदर नाक के पास में परफ्यूम को सेट किया गया था। और दोस्तों इस तरह से किसी इंसान को दी जाने वाली सजा का यह क्रूर शासक आनंद उठाता था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इस बुल में सबसे पहले जलाया किसको गया था? दरअसल ब्रेजन बुल के इन्वेंटर यानी कि खोजकर्ता पेरिलोस को ही अपने क्रूर शासक का निशाना बनना पड़ा, क्योंकि जब इस बुल को बनाने के बाद इसकी खासियत उन्होंने राजा को बताई तब राजा ने भी सबसे पहले पेरिलोस को ही डालकर इसका ट्रायल लिया। दरअसल राजा सुनना चाहते थे कि सच में इस सांड के अंदर से मधुर संगीत सुनाई देती भी है कि नहीं, और फिर खोजकर्ता को जलाने के बाद से राजा काफी खुश हो गए, क्योंकि ब्रेजन बुल राजा को खूब पसंद आया था, और फिर कई सारे लोगों को भी आगे चलकर इसके जरिए सजा दी गई। हालांकि उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जब यह क्रूर राजा अपने शासन काल से हटा तब इसे भी बुल के अंदर ही भूनकर मार दिया गया था, जो कि अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बात है। हालांकि चलिए अब हम आपको इससे जुड़े हुए सेंट यूस्टेस नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं। दरअसल कहा जाता है कि सेकेंड सेंचुरी में जब रोमन लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित नहीं हुए थे तो उससे पहले वो क्रिश्चियन धर्म के लोगों को सजा दिया करते थे, जिसमें रोमन साम्राज्य के लोग कई सारे क्रिश्चियंस को ब्रेजन बुल के अंदर डालकर मार देते थे, और कुछ ऐसा ही सेंट यूस्टेस के साथ भी हुआ था। अब दोस्तों हमें पता है कि इतिहास में हुई इस तरह की चीजों पर पूरी तरह से विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई बार इन ऐतिहासिक किताबों और मूर्तिकारों से यह पता चलता है कि यह बातें पूरी तरह से सच हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर